गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हमें पढ़ना है परमानेंट मैग्नेट्स को। परमानेंट मैग्नेट्स हमने पढ़े थे ऑलरेडी कि कोई भी मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है अगर उसमें मैग्नेटिज्म परमानेंटली रिटेन रहता है। मैग्नेटिज्म परमानेंटली रिटेन करता है मैग्नेट, तो इसको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। We also well known that a magnet has two poles which are inseparable. एक मैग्नेट हमेशा दो इनसेपरेबल पोल रखता है, ये भी हमें ऑलरेडी पता है। ये पोल्स कभी अलग नहीं हो सकते। एक पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं और एक पोल को साउथ पोल कहते हैं। जो पोल्स हैं हमारे, ये पोल्स इक्वल स्ट्रेंथ के बट अपोजिट होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट पोल्स होते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मैग्नेट्स के बारे में। नाउ वी मूव ऑन टू अ वेरी गुड टॉपिक, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में कूलम्स लॉ क्या है? मैग्नेटिज्म में कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहते हैं दो चार्जेस जब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं तो उनके बीच में फोर्स काम करता है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू मैग्नेट्स आर or rather you can say when two magnetic poles are separated by a small distance, a force act between them. This magnitude of this force between any two magnets is directly proportional to the pole strength of the poles and the inversely proportional to the square of their separation. This is all about magnitude. The direction of this force is along the line joining the two magnetic poles. ये है मेरे पास दो magnetic poles. एक दोनों तरफ मैंने north to north को पास लाया, south south को भी ला सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला magnet जिसका pole strength मैंने QM1 लिया, दूसरा magnet जिसका pole strength मैंने QM2 लिया है। Both the poles are separated by a small distance r. तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो रिपल्सन वाला होगा। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, ये आपको पता है। सिमिलर पोल्स रिपेल। दिस वे वी हैव डन द फिगर। नाउ मैथमेटिकली अगर इस लॉ को देखो, इफ Q1 एंड Q2 बी द पोल स्ट्रेंथ एंड आर बी देयर सेपरेशन, देन एज पर द लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। Force is inversely proportional to the square of R. Combining Q1, Q2, Qm1 and Qm2. Q1 for charge and Qm1 for pole strength. ये याद रखें, is R square. अगर मैं इसको proportionality को equality में convert करता हूँ, तो F becomes equal to mu 0 upon 4 pi Qm1, Qm2 upon R square. Here Q mu 0 upon 4 pi is 10 raised to the power minus 7 Tesla मीटर पर एम्पियर। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब अगर इस फोर्स की हम बात करें, अगर दोनों पोल सिमिलर नेचर के हैं तो उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव है तो इट विल शो द रिपल्सिव फोर्स, और इफ एक पोल पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी यानी लेस देन जीरो होगी। तो इफ एफ इज लेस देन जीरो देन इट इज सेड टू बी एट्रैक्टिव फोर्स। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? लेट अस सी। वी नो मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय म्यू जीरो अपॉन 4 पाई Qm1 Qm2 अपॉन R स्क्वायर, एंड सिंस B is magnetic field, F is magnetic force and Qm I have assumed the pole strength. So to make it Qm say Qm cut jayega. So what remains? B. B becomes equal to mu 0 upon 4 pi Qm upon R square. This result is very important as we need it in the magnetic dipoles. Abhi aage mujhe iski zarurat padegi. Since magnetic field is a vector quantity, that's why its direction is along the force. जिस direction में magnetic force काम कर रही है उसी direction में काम करेगी। But magnetic force on north pole, north pole पर अगर किसी magnetic pole से force इस तरफ जाता है
तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, बट अगर मेरे पास अनफॉर्चुनेटली जो स्टडी पोल है वो साउथ पोल है, तो जो डायरेक्शन साउथ पोल पर लगने वाले फोर्स की होगी मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल। नाउ वी कम टू द मैग्नेटिक डाइपोल। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड मैग्नेटिक डाइपोल इज द अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। द अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, किसी भी डाइपोल का मोमेंट इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके साथ में मैंने वेक्टर साइन लगाया हुआ है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ, कोई सी भी एक पोल स्ट्रेंथ चाहे वो नॉर्थ पोल की या साउथ पोल की, एक मैग्नेट के दोनों पोल इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ। मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ एंड पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट होता है। अगर मैथमेटिकली देखू तो पी एम इक्वल टू होता है क्यू एम इंटू टू एल। यहां पर क्यू एम मैंने दिया है पोल स्ट्रेंथ और टू एल दिया है मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बन के आई थी, सो इसकी डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। मैग्नेटिक डाइपोल इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। नाउ व्हाट इज द यूनिट? यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट कहां से आती है? ये यूनिट हमारे पास आती है, चाहे तो मैं पोल स्ट्रेंथ की बात करूं, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है हमारे पास, अगर मैं पोल स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो इसकी यूनिट होती है हमारे पास एम्पियर मीटर। क्या होती है? एम्पियर मीटर, और साथ में एल इसमें लगा दिया तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। बट अगर मैं इसको देखू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैंने निकाला था, जहां पर निकाले थे मैग्नेटिक डायपोल की फॉर्म में करंट लूप, यानी करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया था एन आई ए, ये परमानेंट मैग्नेट्स का है जिसमें पोल्स फिक्स है, लेकिन जो करंट से पैदा होते हैं मैग्नेट उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एन आई ए से लिया जाता है, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। वहां से भी यूनिट जो निकल के आती है वो आती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। नाउ वी स्पीक अबाउट द मैग्नेटिक डायपोल लेंथ, क्योंकि एक मैग्नेट में दो तरह के लेंथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज इट इज ए मैग्नेट, तो यहां से यहां तक ये जो मेरे हाथों में दिख रहा है ये जो ये टोटल लेंथ है, दिस लेंथ इज फिजिकल लेंथ और एक्चुअल लेंथ और टोटल लेंथ। तो ये फिजिकल लेंथ या टोटल लेंथ है, तो क्या यही मैं डायपोल मोमेंट में यूज करूंगा? ये जो 2L का मैंने रेफरेंस दिया, क्या ये वही लेंथ है? नो, ये लेंथ हमारी फिजिकल लेंथ है। मैग्नेटिक लेंथ इसका 84% होती है, किसी भी बार मैग्नेट का जो टोटल लेंथ है उसका 84% उसका मैग्नेटिक लेंथ कैलकुलेट होता है। तो मैग्नेटिक लेंथ इज अबाउट 84% ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल और बार मैग्नेट। मैग्नेटिक डायपोल को मैं सिंपली अब बार मैग्नेट कह सकता हूं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल और ए बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट को एक्सचेंज करके मैग्नेटिक डायपोल भी कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। किसी भी मैग्नेट के दो तरह के पॉइंट हो सकते हैं, एक एक्सियल पॉइंट और एक इक्वेटोरियल पॉइंट। जो पॉइंट ऑन द एक्सिस लाई करते हैं उनको हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं, और जो पॉइंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लाई करते हैं उनको हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं एक्सियल पॉइंट। हमने मान लिया एक बार मैग्नेट है जिसके दो पोल नॉर्थ और साउथ सेपरेटेड है किसी डिस्टेंस 2L से। दोनों पोल के बीच का जो मैग्नेटिक डिस्टेंस है वो है 2L, यानी दोनों पोल का जो सेपरेशन है वो है 2L। सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज C, और इस C सेंटर से अलोंग द एक्सिस एक पॉइंट है P जिसके ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना है। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज स्टडीड एट पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ द मैग्नेट, सेंटर ऑफ द डायपोल। याद रखें P पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ माना जाता है, जिसकी पोल स्ट्रेंथ 1 मानी जाती है।
तो एट पी ए पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज प्लेस्ड, एक एम्पियर मीटर का नॉर्थ पोल यहां पर रखा हुआ है। अब इस नॉर्थ पोल के ऊपर ये नॉर्थ पोल एक रिपल्सिव मैग्नेटिक फील्ड B1 प्रोड्यूस करेगा क्योंकि यहां पर फोर्स रिपल्सिव होगा। ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एक अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो B1 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। लेट अस स्टडी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ एंड साउथ पोल। B1 की कैलकुलेशन होगी μ1 μ/4π इनटू Qm/r-L का होल स्क्वायर, क्योंकि नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है वो है +Qm और साउथ पोल का -Qm, मैंने पोल स्ट्रेंथ माना है। या सेंटर से ये r-L डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर था लेकिन नॉर्थ पोल एल डिस्टेंस इस तरफ है, तो यहां से लेके r-L का सेपरेशन होगा। इसी तरह से B2 जो है मेरे पास μ0/4π इंटू -Qm/r² और रादर r+L का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो डिस्टेंस है वो r+L है, ये पोल L डिस्टेंस और पीछे हो गए। दिस वे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का सम जो यहां पर है B1 + B2, और जब मैं इनको देखता हूं तो μ0/4π Qm/r-L का स्क्वायर माइनस क्यू एम μ0/4π Qm/r+L का होल स्क्वायर। यहां पर से मैंने μ0/4π इंटू क्यू एम को कॉमन लिया तो मेरे पास बचता है r-1/r-L का होल स्क्वायर -1/r+L का होल स्क्वायर। जब मैं इस होल स्क्वायर को एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं तो व्हाट रिमेंस विद मी μ0/4π Qm तो एक तरफ रहेगा, r-L क्योंकि a-b और a+b का होल स्क्वायर है यहां पर, तो यहां पर मैं कह सकता हूं a-b इनटू a+b बिकम्स इक्वल टू a²-b² और उसका होल रेडी होल स्क्वायर है, तो मेरे पास आएगा r²-L² का होल स्क्वायर और ऊपर r+L का होल स्क्वायर ओपन किया r²+L² + 2 rl, साथ साथ माइनस वाला भी हमने ओपन किया तो r²+L² - 2 rl। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ये जो नेगेटिव साइन थे जहां जहां वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, इस तरह से ये आपस में कट जाएगा। व्हाट रिमेन्स विद मी 2 rl यहां से और 2 rl यहां से, तो मेरे पास बचेगा 4 rl। तो B = μ0/4π Qm/4 rl/r²-L² का होल स्क्वायर, ये जो मेरे पास आया है इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं, इसको मैंने 4 rl को 2 r × 2 m करके लिख लिया, तो मैंने लिखा μ0/4π × 2 times of Qm × 2 l, क्योंकि इस 2 l में 4 में से मैंने 2 बार निकाल लिया इंटू r, हमें पता है Qm × 2 l ये तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन जाता है। तो आई कैन से B = μ0/4π 2 mr/r²-L² ये है मैग्नेटिक फील्ड एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P यानी एक एक्सियल पॉइंट पर। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ध्यान से देखें, मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का जो अपर पार्ट है Qm और 4π ये सभी में कॉमन है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में आएगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो मैग्नेटिक फील्ड डिसिसिव है यानी वो बड़ा है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो B1 की डायरेक्शन में आने वाला है। बट B1 इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट MB तो साउथ से नॉर्थ की तरफ काम कर रहा था, तो इसका मतलब दिस इन वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका मतलब मैं सीधे सीधे M के ऊपर वेक्टर साइन लगा देता हूं तो B इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर मेरा डायपोल जो मैं स्टडी कर रहा हूं वो शॉर्ट डायपोल हो, डायपोल का साइज छोटा हो, तो लेंथ ऑफ डायपोल विल बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द R, और अगर R से बहुत छोटी होगी अगर ये जो लेंथ है R बहुत बड़ी है और L बहुत छोटी है, तो हम यहां पर L को नेग्लेक्ट करेंगे ना कि R को, नेग्लेक्टिंग L मैग्नेटिक डायपोल लेंथ को मैं यहां पर नेग्लेक्ट करूंगा,
व्हाट रिमेन्स, जब मैं इसमें से एन स्क्वायर को जीरो कर दूंगा तो यहां पर आएगा आर की पावर फोर, और एक आर से ये फोर कटेगा तो बचेगा आर की पावर थ्री. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट. मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट, द पॉइंट इज इक्वेटोरियल पॉइंट. तो मैग्नेटिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये हमें स्टडी करना है. नाउ हमने अजूम किया है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की. इक्वेटोरियल पॉइंट इज एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो करता है. लेट अस अंडरस्टैंड द फिगर. वी हैव अज्यूम्ड ए बार मैग्नेट हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्यूएम एंड माइनस क्यूएम. बोथ द पोल्स आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू एल, एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सी देयर इज ए पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस आर. आर डिस्टेंस पर एक हमने पॉइंट पी मान लिया है. पॉइंट पी मींस इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पोल्स, ये दोनों पोल से बराबर डिस्टेंस पर होता है, और ये क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल बना था इसलिए दोनों एंगल थीटा और थीटा इक्वल होंगे. यहां पर अगर मैं इधर से एंगल देखू इधर से एंगल देखू दोनों एंगल थीटा होंगे. अगर मैं मान लू नॉर्थ पोल से इसका डिस्टेंस एक्स है तो एक्स इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर रूट. सेम इज हियर पी एस डिस्टेंस भी यही होगा, इसको मैंने लिखा नहीं है. नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू नॉर्थ एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है B1 जो ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और साउथ पोल की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा B2 नीचे की तरफ. तो मैग्नेटिक फील्ड B1 इज म्यू 0.4/2m अपॉन x स्क्वायर अलोंग NP, नो नॉर्थ पोल से P की तरफ जाता हुआ वेक्टर, वेक्टर NP की तरफ ये डायरेक्शन में है. B2 वेक्टर B2 क्या है मेरे पास, म्यू 0.4π/2m अपॉन x स्क्वायर अलोंग PS, P से S की तरफ आने वाले वेक्टर को ये इंडिकेट करता है, डायरेक्शन इसका होता है. अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखूं तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड B2 इज सेम. सो वी कैन से B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू म्यू 0.4π/2m अपॉन x स्क्वायर. Qm अपॉन x स्क्वायर ये हम यहां पर ले लेते हैं. सिंस बोथ द मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन सो दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अनलेस दे आर इन द सेम डायरेक्शन. तो टू मेक देम यूनिडायरेक्शनल लेट अस ब्रेक देम इनटू द कंपोनेंट्स, रिजॉल्विंग B1 एंड B2 इनटू कंपोनेंट्स. अगर मैं B1 और B2 के कंपोनेंट्स तोड़ता हूं, देखें यहां पर, यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं तो ये एंगल थीटा बनेगा क्योंकि ये एंगल और ये दोनों एंगल है अल्टरनेट एंगल, और ये दोनों एंगल हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. दैट्स व्हाई B1 के जब कंपोनेंट तोड़ जाएंगे B1 cos थीटा इस तरफ और B1 sin थीटा ऊपर, जब B2 के कंपोनेंट ब्रेक करता हूं तो B2 cos थीटा इस तरफ और B1 sin थीटा नीचे की तरफ आता है. सिंस B1 एंड B2 आर इक्वल, sin थीटा इज अगेन इक्वल, सो B1 sin थीटा एंड B2 sin थीटा आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसल ईच अदर. वर्टिकल कंपोनेंट B1 sin थीटा एंड B2 sin थीटा कैंसल ईच अदर बीइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. अगर मैं देखूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B1 cos थीटा एंड B2 cos थीटा बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो दे एड अप, ये जुड़ जाएंगे. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज व्हाट, पी इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, बट हमें पता है B1 B2 तो दोनों सेम थे, सो मैंने लिखा 2B1 cos थीटा. अगर मैं यहां पर B1 की वैल्यू रख लेता तो म्यू 0.4π/2m / x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि यहां पर 2 भी था, और cos थीटा अगर मैं देखूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी l अपॉन x, तो ये डिस्टेंस l अपॉन x की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा cos थीटा. तो व्हाट रिमेन विद मी, qm into 2l बन जाएगा m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. एक एक्स यहां था दो एक्स यहां था तो x की पावर 3 बन जाएगा, तो b बिकम्स इक्वल टू म्यू 0.4π/m अपॉन x क्यूब. बट हमें पता है x इज नथिंग बट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट था. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x वी कैन राइट b इक्वल्स टू म्यू 0.4π/m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2. अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो देखते हैं
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन में होगा इस तरफ, यह है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, बट जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो जा रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो आई कैन से, अगर मैं इसको बेस वेक्टर मान लेता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग माइनस एम, एम का नेगेटिव डायरेक्शन। तो बी इक्वल टू म्यू 0.4 पाई वेक्टर एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 विद नेगेटिव डायरेक्शन। अगर मेरा डायपोल शॉर्ट है, बहुत छोटा डायपोल है, तो ये एल बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू आर, यानी हम एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर एल नेग्लेक्ट हो गया तो यहां से मेरे पास आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा और स्क्वायर से पावर 1/2 कैंसिल करेगा। तो व्हाट रिमेन्स, बी इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब विद नेगेटिव साइन। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर मैं दोनों फील्ड को कंपेयर करूं, दोनों फील्ड का कंपैरिजन करूं, कंपैरिजन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन, क्या डिफरेंस होगा, एक बार देख लेते हैं। हमें पता है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए शॉर्ट डायपोल इज म्यू 0.4 पाई वेक्टर 2m बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए शॉर्ट डायपोल इज माइनस म्यू 0.4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। अगर मैं दोनों को देखूं तो यहां से मुझे समझ में आता है बी एक्सियल इक्वल टू माइनस 2b इक्वेटोरियल, यानी एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड इज ट्वाइस इन मैग्नीट्यूड देन द इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए शॉर्ट डायपोल। एक शॉर्ट डायपोल का एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड उसके इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड से दो गुना होता है। मोरओवर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन, पहला मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है, जबकि इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो बोथ द फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज द डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।